हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो लास्ट सेशन में हमने 16 टू 20 जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट कर लिया था, और आज हम जो कंप्लीट करेंगे सेशन में वो 23 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का करंट अफेयर्स है। कोशिश करेंगे कि एक ही सेशन में उसको कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स इस वीक में हमें मिला नहीं है, प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कि हम इसको एक सेशन में ही समाप्त करें, और कोशिश करेंगे कि एक ही सेशन में ये समाप्त हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स, और जिसमें हम लोग कर रहे हैं 23 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का करंट अफेयर्स, ठीक है। तो अभी हाल ही में एक कंट्री है जिसने अपने यहाँ पे सेक्स चेंज और ट्रांसजेंडर मैरिज को कम्प्लीटली क्या कर दिया है, बैन कर दिया है, ठीक है। यानी कि अब कोई पर्सन ना तो पुरुष से स्त्री बन सकता है, ना स्त्री से पुरुष बन सकता है, और ना ही ऐसे लोग आपस में शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा देश है जिसने अपने यहाँ पे जो लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर मैरिज को बैन कर दिया है? हाल ही में किस देश ने सेक्स चेंज और ट्रांसजेंडर मैरिज को अपने देश में प्रतिबंधित कर दिया है? प्रतिबंधित कर दिया, कौन सा देश है ये? तो ये देश है रूस, ठीक है। तो रूस ने अभी हाल ही में क्या करा, अपने देश में जो सेक्स चेंज है, जो ट्रांसजेंडर मैरिज है, उसको बैन कर दिया, ठीक है। अब अभी दुनिया में एक्चुअली दो जंग चल रही है, एक तो रूस और यूक्रेन के बीच में चल रही है, और एक जंग चल रही है जो कानूनी तरह से लड़ी जा रही है ना, कानून और राइट्स के ग्राउंड्स पे लड़ी जा रही है, जो कि है LGBTQ के राइट्स, है ना, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इनके राइट। तो दुनिया रशिया यूक्रेन वॉर में भी दो खेमों में बटी हुई है, एक ऐसे लोग हैं जो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे ही सेम सेक्स मैरिज, सेक्स चेंज, ट्रांसजेंडर मैरिज को लेके भी दुनिया बटी हुई है, ठीक है। कुछ देश हैं जो सेम सेक्स मैरिज को, जेंडर चेंज को, या फिर आपकी ट्रांसजेंडर मैरिज है, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कंट्रीज बैक टू बैक, है ना, अभी कुछ दिन पहले एस्टोनिया ने क्या किया था, सेम सेक्स मैरिज, सेक्स चेंज और ट्रांसजेंडर मैरिज को अपने कंट्री में क्या करी थी, मान्यता दे दी थी। तो उसके बाद रूस ने क्या किया, अपोज किया, बैन कर दिया। क्यों? रूस भी तो यूक्रेन का रूस जो है यूरोप का कंट्री है, फिर उसने क्यों बैन किया इसको? तो रीजन ये है कि रूस पहली बात तो एक क्रिश्चियन कंट्री है। अब क्रिश्चियन कंट्री सारे जो होते हैं बहुत ज़्यादा लिबरल नहीं होते हैं। आप जो देखते हो हमारे यहाँ पे धारा 377 IPC की धारा 377 थी, जो हमारे यहाँ जो गे, लेस्बियन, इन लोगों मतलब इस कैटेगरी को क्या करती थी, प्रतिबंधित करती थी, बैन करती थी। ये किसके द्वारा बनाया गया था? ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था, क्रिश्चियंस के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो जो रूस है ना, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, यानी कि कट्टर जो क्रिश्चियनवाद है, और कट्टर क्रिश्चियनवाद के अकॉर्डिंग ये जो सेम सेक्स मैरिज हैं और आपका सेक्स चेंज है, ट्रांसजेंडर मैरिज है, ये इलीगल है, ठीक है। तो पहला इस रीजन से कि एक ऑर्थोडॉक्स कंट्री है, एक कट्टरवादी कंट्री है, इस वजह से उसने बैन कर दिया। दूसरा, रशिया यूक्रेन फैक्टर भी इसमें है। रशिया ने
अपनी मिलिट्री तो लगाई हुई है यूक्रेन के साथ लड़ने में, साथ में चेचनिया की जो मिलिट्री है लड़ाके हैं उनका भी यूज कर रहा है। ये चेचनिया के जो लड़ाके हैं वो किस रिलीजन को फॉलो करते हैं? इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो इस्लाम जो रिलीजन है वो भी जो सेक्स चेंज है, ट्रांसजेंडर मैरिज है और लेस्बियन गे वगैरह, इनको क्या मानता है? ठीक है, जो नेचर है उसके खिलाफ मानता है कि नहीं ये गलत है, भगवान ने जिसको जैसा बनाया वैसा रहना चाहिए। ठीक है, तो इनका सपोर्ट लेने के लिए, चेचन लड़ाकों को मोटिवेट करने के लिए, इनका सपोर्ट लेने के लिए, इनकी सिंपैथी लेने के लिए क्या किया है, इसको अपने देश में बैन कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कंबोडिया एक कंट्री है एशिया में और ईस्ट एशिया में, वियतनाम के पास में ही। कंबोडिया में अपॉइंट हुआ एक नया प्राइम मिनिस्टर। तो एक्चुअली में ये प्राइम मिनिस्टर जो बना है एक्स प्राइम मिनिस्टर का बेटा है ये, है ना। एक्स प्राइम मिनिस्टर जो कंबोडिया के थे हुन सेन, उन्होंने बढ़ती उम्र और अपने सेहत के कारणों के अपनी कारण क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और उन्होंने अपने ही बेटे को नॉमिनेट कर दिया, अपॉइंट कर दिया है कंबोडिया का नया प्राइम मिनिस्टर। तो इनका क्या नाम है? ठीक है, हाल ही में किस व्यक्ति को कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसको नियुक्त किया गया है? इनका नाम है हुन मानेत। ठीक है, हुन मानेत, और ये कंबोडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं हुन सेन, उनके बेटे हैं। तो हुन मानेत को बनाया गया है नया प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो जो लोकतंत्र होता है ना, जो एक्चुअल लोकतंत्र होता है, वहाँ पर जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सेपरेशन ऑफ पावर। पावर सारे ग्रुप्स के बीच में क्या होती है, डिवाइड कर दी जाती है बराबर बराबर, है ना। अब ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? एक एग्जीक्यूटिव होती है, लाइक जैसे हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो मिनिस्टर्स हैं उसको क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, कार्यपालिका बोला जाता है। ठीक है, दूसरा आपकी जो है विधान पालिका होती है, विधायिका होती है, जिसको हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोला जाता है, उसकी भी कुछ पावर होती है। इसके अलावा एक न्यायपालिका होती है जिसको जुडिशरी बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इसके अंदर आता है। तो इन तीनों इकाइयों के बीच, ठीक है, ये तीनों जो इकाई हैं, तीनों सेक्टर हैं, यही होते हैं मिलकर गवर्नमेंट, कंप्लीट गवर्नमेंट। इनके बीच में क्या होता है, पावर का जो है सेपरेशन होता है, सबको सबके राइट बता दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ये राइट हैं, और जो पार्लियामेंट है उसके ये राइट हैं, और जो न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है उसके ये राइट हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सारे लोग काम करते हैं। बट मोस्ट ऑफ डेमोक्रेसीज में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रोटेक्टर बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को। हमारे कंट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर कौन है? संरक्षक, सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर होने के नाते सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिलती है कि वो एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रधानमंत्री और उनके मिनिस्टर के द्वारा बनाए गए किसी भी ऑर्डर को या पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ को, ठीक है, उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं सही है गलत है। सही है, अगर गलत निकलता है तो उस ऑर्डर को, उस कानून को जो हमारी न्यायपालिका है वो निरस्त कर सकती है। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम बहुत सारे कंट्रीज में है जो मोस्ट ऑफ डेमोक्रेसीज हैं, एक्चुअल डेमोक्रेसीज। तो अभी हाल ही में एक कंट्री है उसमें भी सेम सिस्टम है। तो उस कंट्री ने क्या किया है कि उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव है और पार्लियामेंट है, उसने मिलकर सुप्रीम कोर्ट का जो राइट है किसी भी लॉ को देखने का, जांचने का कि ये सही है या गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, उस राइट को ही छीन लिया। यानी कि अब वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कोई राइट नहीं रह गया कि वो सुप्रीम जो
एग्जीक्यूटिव है यानी कि प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनके द्वारा बनाए गए किसी भी ऑर्डर को निरस्त करे या पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी जो कानून है उसको निरस्त करे। कौन सा कंट्री है? अभी बहुत प्रोटेस्ट भी हुए थे, ठीक है, तो लिखो। हाल ही में किस देश ने अपनी न्यायपालिका के न्यायिक समीक्षा अधिकार को छीन लिया है? कौन सा कंट्री है? तो ये कंट्री है बच्चों, ये कंट्री है इजराइल। इजराइल ने क्या किया है, इजराइल की जो गवर्नमेंट है बेंजामिन नेतन्याहू की, उन्होंने अपनी जो न्यायपालिका है सुप्रीम कोर्ट है उसकी जुडिशियल रिव्यू करने की पावर है उसको क्या कर दिया है, अब समाप्त कर दिया है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट यूरिया गोल्ड, ये यूरिया गोल्ड क्या है? यूरिया गोल्ड क्या है? यूरिया गोल्ड एक सल्फर कोटेड यूरिया है, ठीक है, जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की, कहाँ, राजस्थान में। और इस यूरिया गोल्ड का महत्व क्यों है, क्यों ये यूरिया गोल्ड सल्फर कोटेड यानी कि यूरिया क्यों लागू की गई है, क्यों लॉन्च की गई है? जो सल्फर है उसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, जमीन को हेल्दी बनाता है। सल्फर इज लाइक द, आप कह सकते हो कि एक टॉनिक होती है जो किसी बुखार में दिए जाने वाले व्यक्ति को क्या कर सके, ठीक कर सकती है। तो जो सल्फर है एक तो हेल्थ बढ़ाती है आपकी सॉइल की, दूसरा जो यूरिया होता है ना, सिंपल यूरिया होता है, अगर उसको खेतों में बिखेर दो तो वो बहुत जल्दी गल जाता है, ठीक है, जिससे बार बार किसानों को क्या करना पड़ता है, बार बार यूरिया देना पड़ता है, यानी कि यूरिया की खपत बढ़ जाती है। जब यूरिया सल्फर कोटेड होगा, सल्फर कोटेड मतलब सल्फर लपेटा हुआ, ऊपर सल्फर चढ़ा हुआ है उसके, है ना, तो क्या होगा, यूरिया धीरे 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 डिग्रेड होगा, और डिग्रेड होगा सल्फर के साथ डिग्रेड होगा, यानी कि यूरिया जो खाली केवल यूरिया होता है वो हेल्थ के लिए, सॉइल की हेल्थ के लिए, मिट्टी की हेल्थ के लिए बड़ा नुकसानदायक माना जाता है। एंड अगर उस यूरिया को सल्फर कोटेड करके डाला जाएगा तो जो यूरिया सल्फर कोटेड यूरिया है जब डिग्रेड होगा, गलेगा, तो यूरिया के साथ साथ क्या जाएगा, सल्फर जाएगा, यानी कि एक तरफ जमीन को नुकसान हो रहा होगा, इस तरह जमीन को फ़ायदा हो रहा होगा सल्फर से, ठीक है। इसलिए ज़मीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, मिट्टी की स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए यूरिया गोल्ड लागू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और कहाँ से लॉन्च किया गया इसको, राजस्थान से लॉन्च किया गया, ठीक है। क्या है यूरिया गोल्ड? यह है सल्फर लेपित यूरिया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
द्वारा हाल ही में राजस्थान में लागू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में लागू किया गया, और कहाँ पे? राजस्थान में। याद रखना ये राजस्थान है ना, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्या काम है? सल्फर लेपित यूरिया मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रखेगा एवं जमीन, जमीन मतलब खेत, खेत की पैदावार को बढ़ाने का कार्य करेगा। ठीक है, तो यूरिया गोल्ड है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि भाई यूरिया गोल्ड क्या है, तो आपका आंसर होगा एक सल्फर लेपित यूरिया है, ऑप्शन में दिया रहेगा। कहाँ लॉन्च किया गया? राजस्थान में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत मंडपम, ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम जो है उसकी उद्घाटन किया है ना। एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है जिसको नाम दिया गया है भारत मंडपम। ठीक है, तो ये भारत मंडपम नाम का जो कन्वेंशन सेंटर है, जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कन्वेंशन सेंटर है, इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? किया गया है कहाँ पर स्थापित किया गया है? ठीक है, तो भारत मंडपम, ठीक है, कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में स्थापित किया गया। नाम क्या है इस कन्वेंशन सेंटर का? भारत मंडपम। भारत मंडपम नाम है इस कन्वेंशन सेंटर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में हमने बनाया अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां सालगिरह। ठीक है, 75वीं साल विग्रह हमने अपनी आज़ादी की मनाई है ना। आज से ठीक 75 साल पहले हम क्या हुए थे? आज़ाद हुए थे है ना। तो उसी आज़ादी का उत्सव मनाने के लिए, ठीक है, उस आज़ादी के उत्सव में जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, हमारे फौजी, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज, हमारे पुलिस के जवान, और यहाँ तक कि हमारे नागरिक जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए या देश के लिए अपनी जान दे दी, इनको याद करने के लिए कैंपेन चलाया गया है। उस कैंपेन का क्या नाम है? ठीक है, आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर देश
के लिए अपना बलिदान देने वाले। देने वाले सैनिकों को याद करने के लिए हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। की गई है, ठीक है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, इसका नाम है मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरी देश कार्यक्रम शुरुआत की गई है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। मेरी माटी मेरा देश, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा उल्लास। उल्लास उल्लास क्या है? तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में जो साक्षरता दर है, यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या, वो कितनी है? 74%। यानी कि जितने भी हमारे देश में रहने वाले लोग हैं, नागरिक हैं, उनमें से सिर्फ 74% लोग ही ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। यानी कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी अभी भी 26% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब पढ़े लिखे की डेफिनेशन हमारे यहाँ भी अलग है। अगर आपको पढ़े लिखे की डेफिनेशन बता दूंगा तो आप कहोगे कि क्या ही हालत होगी। अब हमारे यहाँ पढ़ा लिखा पर्सन ऐसे आदमी को माना जाता है जिसको अपना नाम लिखना आता है, अपना नाम लिखना आता है, नाम पढ़ना आता है, ठीक है। ऐसा कोई भी आदमी जो अपना नाम लिख लेता है, पढ़ लेता है, वो पढ़ा लिखा माना जाता है, ठीक है। अब यानी कि इन 74% लोगों में से भी सारे डॉक्टर इंजीनियर नहीं हैं। इन 74% लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ अपना नाम लिखना पढ़ना आता है, ठीक है। और 26% लोग ऐसे हैं, 26% लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना नाम लिखना पढ़ना भी नहीं आता, यानी कि बिल्कुल टोटल बिल्कुल अनपढ़, ठीक है। तो ऐसे ही लोगों को टारगेटेड करते हुए बनाया गया उल्लास, ठीक है। गवर्नमेंट ने सोचा कि सब जगह हर इस गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोल के देख लिया, बहुत सारे सरकारी स्कूल खोल के देख लिए, बट टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा, सब सारे लोग पढ़ लिख नहीं पा रहे, क्या किया जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने आइडिया निकाला मोबाइल। मोबाइल आज के टाइम पे सारे यूज करते हैं, चाहे पढ़ा लिखा इंसान हो, कम पढ़ा लिखा इंसान हो या अनपढ़ इंसान हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इस मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए, लाइक एक मोबाइल एप्लीकेशन बना देते हैं जिसमें क्या किया जाएगा, लोगों को बेसिक एजुकेशन दी जाएगी ऑडियो वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो एक ऐप डेवलप किया गया,
ठीक है, जो सब ग्रामीण एरिया में या शहर के एरिया में जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके मोबाइल में वो एप्लीकेशन डाउनलोड किया जाएगा और उसके थ्रू वो बेसिक एजुकेशन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो ऐप लोगों को बेसिक एजुकेशन प्रदान करने का कार्य करेगा उसी का नाम है उल्लास। तो उल्लास क्या है? उल्लास एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको बनाया गया है, ठीक है, भारत में जो साक्षरता दर है उसको इम्प्रूव करने के लिए और जो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं उन लोगों के लिए बेसिक लिटरेसी, यानी कि कम से कम अपना नाम पढ़ लिख सके, है ना, ऐसी एजुकेशन देने का काम करेगा। ठीक है, तो उल्लास क्या है? उल्लास एक मोबाइल एप्लीकेशन है उल्लास एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको देश के अशिक्षित लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु हेतु विकसित किया गया है, विकसित विकसित किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ट्विटर, ट्विटर का आपने सबने नाम सुना होगा, है ना, कि ट्वीट कर दिया, ट्विटर पे ये लिख देंगे, ट्विटर पे कंप्लेंट कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है आजकल जब से सोशल मीडिया और जो इंटरनेट है उसकी कीमतें कम हुई हैं, तो लोगों का सोशल मीडिया तक जो एक्सेस है बढ़ा है। आप देखो आज सारे लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्विटर एक मोबाइल एप्लीकेशन है। तो ट्विटर पहले कोई और ओन करता था, जैक डोरजी नाम था उनका, ठीक है, बाद में उनको उनके ऑफिस से निकाल दिया गया और इलॉन मस्क ने ट्विटर को ख़रीद लिया। इलॉन मस्क के बारे में सारे ही लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इलॉन मस्क ने ट्विटर को ख़रीद लिया और ट्विटर में बहुत सारे चेंज करने शुरू करे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को हटाया, है ना, और भी सारे चेंज किए गए। तो अभी हाल ही में ट्विटर ने अपना लोगो चेंज कर दिया। पहले ट्विटर का लोगो क्या होता था? ब्लू बर्ड होती थी। अब ट्विटर ने अपना लोगो क्या कर दिया है, ठीक है, हाल ही में सोशल मीडिया साइट ट्विटर ने अपना लोगो ब्लू बर्ड नीली चिड़िया से बदलकर कर दिया है। क्या कर दिया है? ब्लू बर्ड से बदलकर, ठीक है, तो ब्लू बर्ड से बदलकर क्या कर दिया है? एक्स। अब आप देखोगे जब ट्विटर आप इंस्टॉल करोगे या ओपन करोगे तो वहां पे क्या लिखा आएगा? एक्स लिखा आएगा। आप देखो ना, एलोन मस्क इलॉन मस्क जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं या जो भी कंपनी बनाते हैं उस कंपनी में एक्स जरूर लगा होता है, ठीक है। आप टेस्ला देखो तो आपको लगता है कि टेस्ला की स्पेलिंग ऐसी होगी, नहीं ऐसी नहीं है, टेस्ला को एलॉन मस्क ऐसे लिखते हैं, टेक्सला, एक्स। इस इलॉन मस्क है, उनकी एक स्पेस कंपनी भी है जिसका क्या नाम है? स्पेस एक्स। तो जो एक्स है ना वो इनके हर प्रोडक्ट में आपको दिखा लगा मिलेगा, ठीक है। तो चाहे टेक्सला हो चाहे स्पेस एक्स हो, इसी वजह से इन्होंने ट्विटर का नाम चेंज करके भी क्या कर दिया है बच्चों? एंड इन्होंने कर दिया है एक्स, ठीक है।
चलो नेक्स्ट। अभी हाल ही में इसरो ने अपना रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम है PSLV C-56। ठीक है, इस PSLV C-56 के साथ उसने 6 सैटेलाइट भेजे, इनमें एक बहुत बड़ा सैटेलाइट भी, 6 सैटेलाइट के बीच एक बड़ा सैटेलाइट भी था, है ना। इस सैटेलाइट का क्या नाम है? ठीक है, हाल ही में इसरो ने अपने रॉकेट PSLV C-56 की मदद से किस सैटेलाइट को कक्षा में पहुंचाया? ठीक है, तो इस सैटेलाइट का क्या नाम है? DSAR। ठीक है, एक रडार है, सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका नाम है। ठीक है, कितने केजी का ये? 3600 केजी का है। ठीक है, वेट भी पूछ सकता है, लिख लो उसका वेट कितना है, वेट यानी कि वजन लिख लो, वजन, वजन, वजन कितना है? 3600 केजी, यानी कि 3600 केजी का जो सैटेलाइट है DSAR सिंथेटिक अपर्चर रडार, उसको लॉन्च किया गया किसकी मदद से? PSLV C-56 की मदद से। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो आप लोग। चलो कंप्यूटर मोबाइल इन चीज़ों को किस चीज़ से खतरा रहता है? सबसे ज़्यादा खतरा इनको वायरस से रहता है। वायरस क्या करता है आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में आके क्या करता है? उनकी फाइल्स को करप्ट कर देता है और आपका जो कंप्यूटर है वो ख़राब हो जाता है, सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाता है। अब वायरस के अलावा एक चीज़ मार्केट में हो रही है जिसका नाम है रैनसमवेयर। ठीक है, रैनसमवेयर, रैंसम, रैंसम मतलब क्या होता है? रिश्वत। ठीक है, रैंसमवेयर ये भी वायरस की तरह ही होता है, बट ये डेटा को ख़राब नहीं करता है। ये क्या होता है कि आपके मोबाइल में, आपके फ़ोन में किसी सीक्रेट ईमेल की उससे भेजा जाता है, आपके मोबाइल में आने के बाद आपका जो कंप्यूटर है, आपका फ़ोन है, उस पर किसी और का कंट्रोल हो जाता है, एंड वो पर्सन आपको मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू, है ना, कॉल करके वार्निंग देता है कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, रिश्वत मांगता है, बट अदरवाइज़ क्या करूँगा मैं, आपका जो फ़ोन या कंप्यूटर का जो डेटा है मैं उसको ख़त्म कर दूँगा या इसको लीक कर दूँगा या बांट दूँगा। ठीक है, फ़ोन में आपके प्राइवेट फ़ोटोज होते हैं, लैपटॉप वगैरह में वीडियोज होते हैं। ठीक है, तो लोग डर के मारे क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं। ठीक है, तो ये रैनसमवेयर करता है। तो अभी हाल ही में इंडिया में एक रैनसमवेयर ने अटैक किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा कहर उसका रहा रैनसमवेयर का, है ना, और उसको लेके बहुत ज़्यादा चेतावनी जो थी जारी करी गई। ठीक है, तो कौन सा रैनसमवेयर था जिसने भारत में बहुत सारे अटैक किए? ठीक है,
हाल ही में किस रैंसमवेयर के विषय में भारत में चेतावनी जारी की गई? चेतावनी जारी की गई किस रैंसमवेयर के विषय में? तो इस रैंसमवेयर का नाम याद रखना है भाइयों, इस रैंसमवेयर का नाम है अकीरा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अकीरा क्या है। ठीक है, अकीरा एक हीरोइन का नाम है, अकीरा एक प्रोडक्ट का नाम है, अकीरा एक वायरस का नाम है, अकीरा एक रैंसमवेयर का नाम है। मोस्ट प्रॉब्ली इस बार के जो बैंकिंग वगैरह या एसएससी वगैरह का एग्जाम है उसमें ये पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी आरबीआई ने भारत के फॉरेक्स एक्सचेंज के बारे में बताया कि भाई भारत का फॉरेक्स एक्सचेंज कितना पहुंच गया है। तो भारत का जो फॉरेक्स एक्सचेंज है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो अपने 15 महीने के हाई रिकॉर्ड पे पहुंच गया है। ठीक है, कितना पहुंच गया है? आरबीआई द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.5 ठीक है, तो ये हो गया है 601 बिलियन डॉलर। 601 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास हो गया है। ठीक है, रशिया को भी हमने पीछे कर दिया है। ठीक है, तो रशिया का अभी क्या, रशिया का 500 से नीचे चला गया और हमारा कितना हो गया है? 601 बिलियन डॉलर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी हाल ही में एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी करी। ठीक है, और इन्होंने बोला कि जो फिनेंशियल ईयर 28 है, यानी कि 2028 तक, ठीक है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? ठीक है, एसबीआई स्टेट बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सर भारत 2028 तक कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तीसरे नंबर की, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा दुनिया की। ठीक है, चलो नोट कर लो उसको। चलिए ठीक है, तो ये आपका था 23 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का करंट अफेयर्स। ठीक है, थोड़ा ही था इस बार, है ना, कभी कभी होता है वीक में किसी में, है ना, कमी करंट अफेयर्स होता है।
है ना, जरूरी नहीं है कि आपका सिलेबस बढ़ाने के लिए लोग मिलते जुलते रहें या कोई घटनाएं होती रहें, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, है ना, एक नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।